फाइनली दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने सभी के रिजल्ट आउट कर दिए हैं। अब आप सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले कुछ ही डिप्लोमा का रिजल्ट आया था और कुछ कॉलेज का ही आया था, बट अभी क्या है लगभग सभी कॉलेज का आ चुका है। जितने भी लोग फेल थे मतलब पहले बैक पेपर दिया था, तो उन लोगों का भी रिजल्ट अब शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी लोग खुद वेबसाइट पर आके रिजल्ट चेक कर सकते हो और आपके मार्क्स कैसे देखना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। देखो यहाँ पर एक रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आप सभी लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अगस्त की जगह क्या सर लिखना है, यहाँ पर जून। ठीक है, जून सेलेक्ट कर लेना, इस वजह से क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में हुआ था। उसके बाद क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है, देखो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, अपना अपना चेक कर रहे हैं, तो वेबसाइट में थोड़ा थोड़ा इरर आ जा रहा है, बट परेशान नहीं होना है, आपको एक दो बार ट्राई करना है, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, 100% ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल सबका रिजल्ट आ चुका है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। चलिए मैं अभी यहाँ पर एक रोल नंबर डालता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हमने फ़िलहाल रोल नंबर डाल दिया है, अब यहाँ पर सर्च रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो अगर आप लोग रोल नंबर डाल देते हो उसके बाद कुछ इस तरीके का आ जाता है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना, आपको फिर से बैक हो जाना है और फिर से रोल नंबर डाल के सर्च करना, किसी न किसी बार आपका रिजल्ट जरूर से होगा। तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ करके। सो यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने ट्राई किया तो पहली बार में क्या हुआ कि वो एरर दिखाने लगा, लेकिन दूसरी बार फिर से मैंने रोल नंबर डाला, सर्च किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिजल्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पास दिखा रहा है। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पर पास है। ठीक है, अभी यहाँ पर किसी के मार्क्स नहीं दिखाया गया है कि आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं, बस आप पास हो या फेल हो ये दिखाया गया है। देखो अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो तब भी यहाँ पर फेल लिख के आएगा, अगर आप दो में हो तब भी फेल लिख के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप एक में फेल हैं तो पास माना जाएगा, ऐसा नहीं, अगर आप एक में फेल हैं तो फेल ही लिख के आएगा। अब देखो अगर आप फेल हैं तो अभी क्या है, रीचेकिंग का एक ऑप्शन आएगा, फैकल्टी ऑप्शन प्रोवाइड कराएगी, उस टाइम पर आप सभी लोग रीचेकिंग करा सकते हो। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा था, आपको नंबर कम मिले इस वजह से आप फेल हैं, तो आप रीचेकिंग करा सकते हो। और एक चीज़, अभी पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी सारे बच्चे फेल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने कॉपी को रीचेक कराया था। ठीक है, रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके लिए भी पैसा लगता है, फैकल्टी पैसे लेती है। सबसे पहले आपसे 500 रुपया लेती है फैकल्टी रीटोटलिंग के लिए, उसके बाद कॉपी रीचेक करने के लिए 1000 पेमेंट फैकल्टी लेती है रीचेकिंग के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे पास हुए थे, उन्होंने रीचेकिंग कराई थी, बाद में रिजल्ट फिर से आया और वो पास हो गए थे। अब देखो यहाँ पर आप लोग पूछोगे मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो देखो यहाँ पर अभी एक और ऑप्शन आएगा मार्क्सशीट का। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा मार्क्सशीट का, वो ऑप्शन कब आएगा, तो वो अभी आपका रिजल्ट आया है तो एक या दो दिन लग जाएगा। ठीक है, एक या दो दिन में आपकी मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो उस टाइम पर आप सभी लोग अपना मार्कशीट देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला है टोटल। तो टोटल जो पूर्णांक रहेगा वो 300 का रहने वाला है। ठीक है, 300 में से आप सभी के जितने भी मार्क्स मिलेंगे वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपने दो पेपर दिया है तो उसका दिखेगा, उसके बाद आपका ओरल और प्रैक्टिकल का भी मार्क्स रहता है, तो कुल मिला के 300 का पूर्णांक रहेगा, तो उसमें से टोटल आपको दिखेगा। तो जब भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा। सो आप सभी लोग प्लीज़ टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना, और अगर आप रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, हम आपका रिजल्ट चेक कर देंगे। और जैसे ही मार्कशीट अपलोड होगी तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आप सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।